डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमरजेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ किसी भी सोसाइटी के अंदर कानून की अहमियत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है सोसाइटीज़ के अंदर जो भी नॉम्स की वाइलेशन होती हैं जो भी रूल्स की वाइलेशन होती हैं उनको अप्रीहेंड करने के लिए उसके हवाले से क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट का निज़ाम जो है वो बनाया जाता है लॉज इमर्ज एज़ अ वे टू रेगूलेट बिहेवियर एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ सो इनिशली वन सोसाइटीज़ वर नाट सो कॉम्प्लेक्स तो कानून का निज़ाम जो है वो इस अंदाज से बनाया गया कि जो ट्रडिशन्स हैं और जो ट्रडिशनल वैल्यूज़ और जो नॉर्म्स हैं और जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ का सहारा लिया जाता था और ये लॉज़ जो हैं इनफॉर्मली अप्लाई किए जाते थे क्योंकि सोसाइटीज़ जो हैं वो ट्राइबल सिस्टम के ऊपर बिलीव करती थी और ट्राइबल सिस्टम के अंदर uh, मुख्तलफ जो कल्परेट्स uh, uh, होते थे उनको अप्रीहेंड करने के लिए ट्रडिशनल बिलीफ सिस्टम के जो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे उनके ऊपर बेस करते हुए लॉज होते थे सो अर्स फॉर्म्स ऑफ लॉ वर बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड ट्रडिशन एंड वर आफ्टर इनफोर्सड थ्रू इनफॉर्मल मीन्स As societies became more and more complex, often uh, through the use of uh, information technology, uh, formal legal systems developed to enforce laws and punish the violators. आज हम देखते हैं कि formal legal systems हैं, courts हैं और उसके साथ-साथ जो police का एक نظام है, तो ये सारा criminal system मिलके जो overall आपके norms की violation है, उसको control करने में help करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ इन मॉडर्न सोसाइटीज़ इनकलूड प्रोटेक्टिंग इंडिविजअल रॉइट्स एंड प्रमोटिंग सोशल ऑर्डर सफ़र्द वाद के जो आ, राइट्स हैं वो आज के माशरे में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडिविजुल को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है इसके साथ साथ जो आपके कोलेक्टिव राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है और ये सारे राइट्स का जो डेरीवेटिव सोर्स होता है आपके मॉरल रूल्स और मॉरल रूल्स एंड रेगोलेशन होते हैं जो आपकी डेफ़ीशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग होती हैं उनके जो अल्टीमेट डेरिवेटिव सोर्सेज होते हैं जैसे कि रिलीजन है या सोसाइटी है या आपकी ट्रेडिशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जाता है कि कौन सी वैल्यूज़ कितनी सिग्निफिकेंट हैं कितनी किसी माशरे के अंदर इंपॉर्टेंट हैं उसके मुताबिक वो लॉज डेवलप किए जाते हैं तो मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जैसे मनी है ह्यूमन लाइफ है प्रॉपर्टी है ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूबल कंसिडर होती हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज भी जो हैं वो सख्त से सख्त बनाए जाते हैं uh, इसी तरह कुछ जो माइनर uh, ऑफेंसेस होते हैं उनके हवाले से लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है तो इन पाकिस्तान द लीगल सिस्टम इज़ द मिक्सचर ऑफ इस्लामिक लॉ विच इज़ कॉल्ड द शरिया लॉ एंड द ब्रिटिश कॉमन लॉ जो कि ब्रिटिश कलोनलिज़म के पीरियड uh, से uh, हमारे साथ चला रहा है और हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट होता है वो यही ब्रिटिश कॉमन लॉ होता है सो पाकिस्तान लीगल सिस्टम इंक्लूड्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ जो है वो सिविल uh, केसेस को डील करता है जिसके अंदर फैमिली केसेस भी होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं जो क्रिमिनल लॉ होता है वो क्राइम रिलेटेड केसेस को डील करता है जैसे रॉबरी है थेफ्ट है या मर्डर है सो ऑन द होल जो मॉडर्न लॉ uh, है ये इंटायरली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द ट्रडिशनल या कन्शनल लॉज के क्योंकि ट्रडिशन या कन्वेशनल लॉज जो थे वो ट्रडिशन के ऊपर बेस करते थे मॉडर्न लॉज के जो डेरीवेटिव सोसज़ होते हैं वो मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ होती हैं